तो ये रहा हमारा नया घर, कैसा लगा? ये बहुत अच्छा है डैडी, हम लोग यहाँ पर क्रिकेट खेलेंगे। ऑफ कोर्स। कबीर, तुम्हें नहीं लगता ये जगह थोड़ी अजीब सी है? शहर से इतना दूर ऐसी सुनसान जगह में रहना जरूरी है क्या? वैसे मुझे पूछो तो ये जगह सुनसान नहीं है, पीसफुल है, शांत और थोड़ी रोमांटिक भी। कबीर प्लीज एक बार फिर से सोच लो ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी जिद की वजह से हम लोग अपना फ्यूचर स्पॉइल कर रहे हो? हम लोग किसी भी बड़े शहर में रह सकते हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं ना, तो फिर अगर एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए अगर हर डॉक्टर बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ही काम करता रहा तो इन गाँव वालों का क्या होगा? उनका ख्याल कौन रखेगा, उनकी सेवा कौन करेगा? देखो तुम जानती हो मैं अपनी डिग्री का इस्तेमाल सिर्फ पैसे बनाने के लिए नहीं करना चाहता हूं, लोगों के लिए काम करना चाहता हूं। मैं वो सब कुछ नहीं जानती, मुझे यहाँ रहना ठीक नहीं लग रहा है। बस जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स आलिया, बस दो दिन की बात है, यू विल गेट यूज्ड टू इट, यू विल सेटल डाउन। जैद को देखो कितना मजा है, कम थ्रो कैच, कट, डैडी मुझे दो, ये लो पकड़ो। लो साहब आपका सामान आई गया, एकदम वन पीस। शुक्रिया। अच्छा ये सारा सामान जमाने के लिए दो लोकल लोग? हाँ, लाए ना साहब। ए भीमा मंगलू साहब, ये दोनों जयराम जी की। जयराम जी की। हाँ ठीक है जल्दी जल्दी सामान उतारो, अपने काम पे लग जाओ। अरे क्या हुआ भाई, कौनो बात है का? अरे भैया क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम एडवांस चाहिए? नहीं साहब ऐसी कोनो बात नहीं है, लेकिन आप लोग यहाँ रहेंगे? हाँ बिल्कुल, बात क्या है? कुछ नहीं, लेकिन यहाँ कोई रहता नहीं है। क्यों? पीछे कब्रिस्तान है ना। कब्रिस्तान? कुछ नहीं मैम साहब, वो पुराना कब्रिस्तान है, कहते हैं वो जगह नापाक है और बरसों से किसी को दफनाया नहीं है। चलो चलो बहुत हुआ, अब बहुत हो गई बातें, ये गांव वाले उनके सुपरस्टिशंस, अब सामान निकालना शुरू करो। अब भैया बतवानी बहुत हो गया, अब जरा हाथ चलाओ सामान उठाओ। चलो जैद कम ऑन। कहते हैं वो जगह नापाक है और बरसों से वहां किसी को दफनाया नहीं है। आलिया क्या हुआ? उंगली कट गई, सांसें काटते काटते। तुमने तो जान ही ले ली है, आओ ड्रेसिंग कर देता हूं, कम सकते हैं कि आप किन के ख्यालों में खोई हुई थी कि सब्जी काटते काटते अपनी उंगली भी काट ली? नहीं बताओ हमें, किसके बारे में सोचा जा रहा था? कब्रिस्तान के। लो यही प्रॉब्लम है तुम्हारी आलिया, बेकार की बातों में उलझ जाती हो। अब शमशान हुआ, कब्रिस्तान हुआ, इनके बारे में तो लोग ऐसी बातें करेंगे ना, इजंट इट कॉमन? हाँ? कबीर मुझे बहुत डर लग रहा है। गॉड, रिलैक्स माय पुअर बेबी, मेरी तरफ देखो।
तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हूं ना मैं। वैसे भी एक आध दिन में तुम सेटल डाउन हो जाओगी और तुम्हें पता चलेगा कि ये सारी बातें कितनी बेबुनियाद है। अब नहीं डरोगी? प्रॉमिस, एब्सोल्यूट प्रॉमिस। दैट्स लाइक माय गुड गर्ल। एक्सीडेंट का केस है सर। अपने बूढ़े माँ बाप का इकलौता बेटा है, रात को मोटरसाइकिल पे जा रहा था, कार से टक्कर हो गई, बहुत ही बुरी तरह इंजर्ड है, लगता नहीं कि बचेगा। मरीज की सांस छूट भी जाए, डॉक्टर को उसे बचाने की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। सर, आप जैसा इतना क्वालिफाइड डॉक्टर इस गांव में क्या कर रहा है? वही कर रहा हूं जो हर क्वालिफाइड डॉक्टर को करना चाहिए, मरीजों का इलाज। लेकिन सर, कुछ मरीज ऐसे भी हैं जिनका इलाज हो ही नहीं सकता। ये क्या कह रहे हो तुम? हर मरीज का इलाज हो सकता है जगत। इनफैक्ट अगर सही इलाज किया जाए तो एक मरे हुए इंसान को भी जिंदा किया जा सकता है। सर, ये मरे हुए को जिंदा करने वाली बात दोबारा इस गांव में मत कीजिएगा। हाय। अरे
आज इतना जल्दी? तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। You're fine ना? या या या, not to worry. जैद कहाँ है? मैं भी उसी को ढूंढ रही थी। अभी तो यहीं पे खेल रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया। जैद? कौन तुम? बादशाह। बादशाह नाम है मेरा। तुम कौन हो? हम बस ये पीछे वाले घर में रहते हैं। जाओ जाओ यहां से, चले जाओ। ये इंसानों के लिए नहीं है, ये कब्रिस्तान नापाक है। यहां रूहें नापाक हो जाती है। जो भी मुर्दे यहां दफनाए गए वो जिंदा हो जाते हैं। चलो चलो भागो यहां से। चलो चलो ठीक है, तुझे दो यहां से, फिर कभी बताना। भागो, ये कब्रिस्तान नापाक है। ए, भागो जल्दी। आज जैद को अगर कुछ हो जाता तो मैं यहाँ नहीं रह सकती। बस तुम्हें अगर हमारे साथ चलना है तो चलो, नहीं तो मैं जैद को अकेली लेके चली जाऊंगी। आलिया चलो, मैं करता हूँ कुछ, मगर ट्रांसफर एक दिन में तो नहीं हो सकता है ना। सारी फॉर्मेलिटीज के लिए कम से कम एक हफ्ता लगेगा। देखो जितनी जल्दी हो सके मैं ट्रांसफर करवाने की कोशिश करता हूँ। ओके हाँ, जल्दी करवा लो अपना ट्रांसफर, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रह सकती। बस ठीक है बाबा, सुन लिया। अब जल्दी खाना लगा, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं जैद को देखता हूँ। कम ऑन बेटा, कम ऑन, सोने की तैयारी करें। डैडी, क्या सही में मरे हुए लोग जिंदा हो सकते हैं? कैसी बातें कर रहे हो बेटा? वो कह रहा था ना पाशा कि उस जमीन से मुर्दा जिंदा होता है, क्या सच्ची मुझ ऐसा हो सकता है? बेटा वो आदमी पागल है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन डैडी, मैंने कहा ना बेटा, तुम्हें ये सारी बातें सोचने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो आदमी है ना, उस जैसे कई पागल इस दुनिया पे घूमते फिरते हैं, कुछ अनाप शनाप बात करते रहते हैं, मगर वो सब सच तो नहीं हो सकता है ना। हाँ, अब अपने दिमाग से ये सारी बातें निकाल दो और चलो सो जाओ। ओके, दैट्स लाइक माय गुड बॉय, गुड नाइट।
आपकी ट्रेनिंग है ना मैडम साहिबा। जल्दी से तैयार हो जाओ और हॉस्पिटल जाने की तैयारी करो। आज ट्रांसफर की बात करनी है ना? करूंगा। मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। Why? देखो कबीर, अभी आए हुए तुम्हें दो दिन भी नहीं हुए और तुम ट्रांसफर की बात कर रहे हो। What happened? तुम्हारे जैसे होनहार डॉक्टर की इस एरिया को, इस गांव को जरूरत है। Then what happened? तुम फिर आ गए। तुम मुझे बहुत तंग करते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। सॉरी अंकल। रैम्बो! Thank you.
जैद हाय बेटा। अरे क्या हुआ जैद? जैद क्या हुआ बेटा? उसने जैकी को मार डाला। किसने? ओ उस अंकल के डॉगी ने। किस अंकल के डॉगी ने? ओ ओल्ड अंकल मुझ पे चिल्लाए, फिर उन्होंने अपना डॉगी मेरे पीछे छोड़ दिया। मैं बहुत डर गया था डैडी, मैं वहां से भाग आया, लेकिन जैकी वही रह गया और उस डॉगी ने। अरे तो क्या हुआ? हम एक नई डॉल खरीद लेंगे। हाँ बेटा, हम आपके लिए नई डॉल लेकर आएंगे। ओके नाउ डोंट क्राई। नहीं, मुझे नई डॉल नहीं चाहिए, मुझे जैकी चाहिए। चलो ठीक है, हम जैकी जैसी एग्जैक्टली सेम डॉल खरीद लेंगे। नहीं, मुझे सेम डॉल नहीं चाहिए, मुझे जैकी चाहिए। बेटा जिद नहीं करते हैं, कम ऑन, नो क्राइंग। वो इसे कैसे कर सकता है? अपना कुत्ता छोड़ दिया मेरे बेटे, उसे कुछ हो जाता तो। मैं बात करके आता हूँ उससे। दरवाजा खुला, अंदर आ सकते हो। हाय, मेरा नाम कबीर। तुम यहां पर क्यों आए? देखिए, मैं एक डॉक्टर हूं और अपनी फैमिली के साथ आपके बगल वाले मकान में मैं शिफ्ट हुआ। तुम यहां पर क्यों आए हो? आज मेरा बेटा आपके घर के सामने खेल रहा था और आपका ये कुत्ता। ये इंसानों की नगरी है, तुम जैसे हैवानों की नहीं है डॉक्टर। तुम उसी मनहूस कब्रिस्तान में वापस लौट जाओ जहां तुम खड़े हुए थे, जहां तुम खड़े हुए थे डॉक्टर। बात समझ में आई? देखिए, आपको शायद कोई गलत फहमी हो रही है। मैं मुझे कोई गलत फहमी नहीं है, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूं। तुम उसी मनहूस कब्रिस्तान में वापस लौट जाओ जहां से तुम आए हो, नहीं तो मैं तुम्हारा वो हाल करके छोड़ूंगा कि जहन्नुम में भी तुम्हें जगह नसीब नहीं होगी। देखिए, मैं वो नहीं हूं जो आप समझ रहे हैं। उसी मनहूस कब्रिस्तान में चले जाओ, उसी मनहूस कब्रिस्तान में जहां तुम खड़े हुए थे। आप इस बंद, देखिए मैं वो नहीं, आपको गलत, उसी बाबरी मत कब्रिस्तान में लौट जाओ इसको जहां से तुम आए थे। अरे चलो चलो पागल है बुड्ढा, चलो अंदर अंदर घुसो। कबीर क्या हुआ बताओ ना, क्या हुआ? पागल है वो बुड्ढा, सच आ गया। कबीर बोलो तो सही, हुआ क्या? बस कुछ अजीब अजीब बातें कर रहा था। कबीर मैंने कुछ आवाजें भी सुनी वहां। नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, बस उसका वो कुत्ता है ना, उस कंट्रोल में नहीं है उसके, तो उसने कुछ गोली चला दी हवा में उसे चुप करने के लिए। बस तुम जैद को उसके घर के सामने नहीं भेजोगे, ओके? प्रॉमिस मी। मैंने कहा ना, एवरीथिंग इज फाइन। और देखो, मैंने प्रसाद सर से बात कर ली है, वीकेंड पे हमारे जाने का प्रोग्राम बन जाएगा, ठीक है? रिलैक्स रिलैक्स।
क्या कर रहे हैं गुस्ताख? बाबी। हे, क्या कर रहे हैं? अम्मे। बैठ। जैद। बेटा ये तो वो हवा से मेरा पौधा गिर गया था ना, उसे ही लगा रहा था। ओके ठीक है, अब शाम बहुत हो गई है, बाहर नहीं जाना, ठीक है? चलो अंदर। तो क्या 7:30 बजे हो जाता है ना? तो ब्रेकफास्ट करो, मैं देखकर आती हूँ। जैन, वेक अप टाइम। जैन, क्या हुआ? रो क्यों रहे हो आप? और जागे हो तो बाहर क्यों नहीं आए? क्या हुआ बेटा? कोई बुरा सपना देखा? डोंट क्राई, मैं हूँ ना आपके पास। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे क्या हुआ, रो क्यों रहा है? देखो ना, पता नहीं क्यों रो रहा है, लगता है कोई बुरा सपना देखा। बुरा सपना? अरे सपना ही तो था। कौन बेटा, इट्स मॉर्निंग टाइम, सपना ओवर, नाइटमेयर ओवर, अभी ब्रेकफास्ट टाइम है। ओके, बिकम अ नाइस स्ट्रांग हेल्दी बॉय, एक नाइस ब्रेकफास्ट खाना है हमें। कम ऑन गेट अप, कम ऑन गेट अप, गुड बॉय। चलो चलो, नो मोर क्राइंग।
क्या आप किचन में गए थे? नहीं। तो फिर वहाँ दूध किसने गिराया? अच्छा मैं एक मिनट देख कर आती हूँ। ओके मम्मी। बेटा घर में लगता है कोई बिल्ली आ गई है। और इतना अंधेरा क्यों किया है यहाँ पर बेटा? कर रहे थे तुम बेटा? किसी से नहीं। सैद, बेटा मैंने यहाँ पे आवाजें सुनी, बोलो किससे बातें कर रहे थे आप? जैकी से। जैकी से? जैकी तो टूट गई थी ना? मैंने उसे गम से वापस जोड़ दिया। और ये कर्टन्स? कर्टन्स फिर से क्यों बंद कर दिए? मैं अभी खोल कर गई थी ना जैकी ने कहा बंद करने के लिए। जैकी ने? बस पैकिंग शुरू कर दीजिए, दो दिन बाद आपकी यहां से छुट्टी। थैंक यू। सर एक बात समझ में नहीं आई, ऐसी कौन सी बात हो गई कि आप दो ही दिन में भाग लिए? सॉरी मेरा मतलब था कि आपने दो ही दिन में जाने का निर्णय ले लिया। है कुछ पर्सनल रीजंस। अब कहीं उस बुढ़ाऊ से तो नहीं डर गए? लुक इट्स नन ऑफ योर डैम बिजनेस। ओके तुम बस अपने काम से काम रखो। लो आप तो खामखा गुस्सा हो गए। मेरा मतलब था कि इनफ। हाँ बोलो। हेलो कबीर। पता नहीं क्या क्या हो रहा है इस घर में। अभी मैं किचन में गई थी तो पता नहीं वहाँ पे किसने दूध गिरा दिया, देखा तो कोई भी नहीं था। अरे डर क्या रही हो, कोई बिल्ली होगी आलिया। जैद तो ठीक है ना? हाँ जैद ठीक है पर। अच्छा सुनो ट्रांसफर आ गया है। बस तुम पैकिंग करने की तैयारी करो, मैं आता हूँ। ओके बाय। जैद मुझे उस बुड्ढे के घर ले चलो। नहीं जैद चलो बुड्ढे के घर। लेकिन उसका डॉगी बहुत डेंजरस है। अब तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं, समझे? बस मुझसे डरो, चलो लेके चलो। कहाँ जा रहे हो बेटा? ऐसे खेलने जा रहा था। तबीयत कैसी है जैद की? Now I am fine. ओके दूर मत जाना, हम यही पास में खेलना। Yeah!
जैद कैसा है? ठीक लग रहा है, शाम को खेलने भी गया था। अच्छा? जैकी के साथ। गुड। जैकी के साथ? हाँ। मगर जैकी तो टूट गई थी ना? हाँ, लेकिन जैद ने उसे गम से जोड़ दिया और आज शाम को वो उससे खेल भी रहा था। मुझे लगा मैंने किसी की भारी आवाज सुनी। भारी आवाज? लेकिन अंदर जाकर देखा तो वो जैकी से बातें कर रहा था। अजीब बात है, जरा चलो। तो मेरा काम तो हो गया, आज मैं बहुत खुश हूँ। किससे बात कर रहे थे तुम? जैकी से। जैकी से? बता।